नमस्कार, सुमन्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टमाटर और लहसुन की चटनी। ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो फ्रेश टमाटर लिए हैं, साथ ही हमने एक लहसुन लिया है। तो सबसे पहले हम लहसुन को छील लेंगे और पेस्ट बना लेंगे, और टमाटर को काटकर मिक्सी में इन्हें ग्राइंड करेंगे। टमाटर ग्राइंड हो गए हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच सरसों दाना ऐड करेंगे, 1 चुटकी हींग डालेंगे, लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार, 1/2 टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और जैसे ही इसमें उबाला आ जाएगा तो हम 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। चटनी को लो फ्लेम पर पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए, तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। चटनी से ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है और अब हम इसे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट खुला ही पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं ऐड की है, अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च ऐड कर लें। और अब चटनी पक चुकी है तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। लीजिए, टमाटर और लहसुन की चटपटी चटनी तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाएं। आप इसे चपाती, पराठे और राइस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।